नहीं कराई। कई बार रिमाइंडर जा चुका है, कई बार टीचर्स आपकी बच्ची को ये बात बोल चुकी हैं। अगर आपकी बच्ची की स्कूल फीस जमा नहीं होगी तब तक वो अगली क्लास में नहीं जा पाएगी। दो दिन आपके पास स्कूल फीस जमा कराने की। फेल टू अंडरस्टैंड, ये लोग प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं सकते बच्चों को तो भेजते क्यों है पढ़ने के लिए? बेवकूफ लोग। मम्मी, मम्मी वो भैया आटा चावल दे रहे हैं, मैं ले आऊं क्या? लेकिन वो तो फोटो ले रहे हैं। तुम लोगों से एक रूम सेट की ईएमआई तो दी नहीं जाती, तो फिर मकान लेते क्यों हो? जमा करो, तुरंत जमा करो, नहीं तो वहीं आ जाऊंगा मैं। अब मदद हम करते हैं, अब वोट देने के नाम पे तुम दूसरों को वोट दे देते हो, और अब मदद हमसे चाहिए। चलो फोन रखो अभी। हाँ, कोई मदद नहीं होगी कल। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अरे तुम लोग झोपड़पट्टी में रहने लायक हो, शहरों में रहने लायक नहीं। कितने मजदूर, अरे 800-900 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव जा रहे हैं। तुम भी निकलो चुपचाप, या फिर किराया। आपने अभी तक स्कूल फीस जमा नहीं कराई। ईएमआई तो नहीं दी जाती, तो फिर मकान लेते क्यों हो? निकलो बाहर या पूरा पैसा समझी। बना दादा नहीं होगा कल।